हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हमने बात किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में, और एक एक दो लाइन में हमने ये देखा था कि उनका पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रेफरेंस टू डायरेटिक। आज हम देखेंगे कि डायरेटिक कैसे अपना मैकेनिज्म शो करते हैं और कैसे एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लें कि डायरेटिक होते क्या है और ये कैसे अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, कैसे अपना रोल प्ले करते हैं हाइपरटेंशन को कम करने में। डायरेटिक ऐसे एजेंट या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, और ये कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मेन मैकेनिज्म है यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करने का, वो ये है कि ये रीअब्सॉर्प्शन के जो फेज है, जो कि एक रेट लिमिटिंग फेज होता है यूरिन फॉर्मेशन का, इसको इनहिबिट करते हैं। रेट लिमिटिंग फैक्टर कहने का मतलब या रेट लिमिटिंग स्टेप कहने का मतलब वो स्टेप्स हैं जहां पे ये डिसाइड होता है कि यूरिन का अल्टीमेट वॉल्यूम क्या होगा एलिमिनेशन के लिए। क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन कहने का मतलब होता है कि जो ट्यूब्यूल में वापस जा चुका है हमारे यूरिन के फॉर्म में कंस्टिट्यूएंट, इसमें से इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट को वापस से सेलेक्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम में लेकर के आना। इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, सो इट टेक्स टाइम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रेट लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि ये रेट लिमिटिंग फैक्टर है इसलिए ये यूरिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हमको अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट लेना है, इसलिए जब हम डायरेटिक यूज करते हैं तो ये डायरेटिक उसी रेट लिमिटिंग फैक्टर दैट इज रीअब्सॉर्प्शन इनको इनहिबिट करके यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। और अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मेन रूप से सोडियम और वाटर है, इनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा। सोडियम जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा हाइपरटेंशन का, ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर को एलिवेट करके एंटी हाइपरटेंशन की ओर लेकर के जाने में। तो अगर हम किसी भी तरीके से सोडियम के रिटेंशन को कम करें या सोडियम के एलिमिनेशन को ज्यादा करें, दोनों का एक ही मतलब है, तो अल्टीमेटली हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। और डायरेटिक इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यही मैकेनिज्म उसका है कि वो अल्टीमेटली सोडियम का और वाटर का एलिमिनेशन करके आपके ब्लड में सोडियम के लेवल को कम करता है, वाटर के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से आपका जो हाइपरटेंशन था वो नॉर्मल वैल्यू की ओर आना स्टार्ट करता है। अगर आप देखेंगे डायरेटिक का, तो डायरेटिक के अंदर काफी सारे सब क्लास हैं। थायाज़ाइड डायरेटिक है, लूप डायरेटिक है, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में, वो बेसिकली फोकस्ड होगा आपके थायाज़ाइड डायरेटिक और एक दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लूप्स डायरेटिक या हाई सीलिंग डायरेटिक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थायाज़ाइड डायरेटिक का मैकेनिज्म क्या होता है। थायाज़ाइड डायरेटिक जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर यूज किए जाने वाले काफी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, और हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड और थायरोडिडोन ये दो प्राइमरी ड्रग हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को यूज करने में इन केस ऑफ डायरेटिक। तो ये जो इनका मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है, दे सिंपली रिड्यूस द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। इसी का अगर आप उल्टे शब्द में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि ये सोडियम और वाटर के एलिमिनेशन को इंक्रीज करते हैं, या तो रिटेंशन को कम करते हैं बोल लीजिए, या तो एलिमिनेशन को बढ़ा देते हैं बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योंकि सोडियम और वाटर का एलिमिनेशन ज्यादा हो रहा है आपके बॉडी से ड्यू टू यूज ऑफ थायाज़ाइड डायरेटिक, अल्टीमेटली आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फाइनली आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम होगा। ये है मेन अल्टीमेट गोल, दैट इज कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना। अब यहां पे आपको एक चीज रिकॉल करने की जरूरत है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन में डिस्कस किया था, वो ये कि जितने भी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हैं वो बेसिकली दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। पहला होता है कार्डियक आउटपुट और दूसरा होता है टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि आपके वेसल्स के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस कॉज हो रहा होगा जो कि अल्टीमेटली ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट कर रहे होंगे, तो इसे हम TPR कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट का मतलब तो समझते हैं, एक रफ लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि अल्टीमेटली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश होकर के थ्रू आउट द बॉडी की ओर मूव करता है, ये एक कार्डियक आउटपुट है। और ब्लड प्रेशर का इन दोनों पॉइंट पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कहने का मतलब ये है सिंपल सा लैंग्वेज में, अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, अगर टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और आपने ये भी देखा फर्स्ट पार्ट में हमारे, अगर आपने नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट जरूर देखें, आपको काफी मदद करेगा। तो उसमें से जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं इनका टारगेट ये होता है कि किसी भी तरीके से वो कार्डियक आउटपुट को और टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को
कम करें, इनके कम करने की वजह से हम हाइपरटेंशन की वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू पे लेकर के आ सकते हैं। ये है उनके दो मैकेनिज्म। और आपने पहले लाइन में ही देखा कि जो थायराइड डायबिटिक है वो सोडियम और वाटर के रिटेंशन को रिड्यूस करके अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं, और ब्लड वॉल्यूम के कम होने से अल्टीमेटली आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो रहा है। और एज सिंपल एज दिस, ये चीज हैज प्रूव कि अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरा जो स्टेप है ये कहता है कि अगर हम ये जो थायराइड डायबिटिक है इनको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, अगर हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटीज तो है कि आपका प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल लेवल पे अप्रोच कर जाए, लेकिन जो टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है ये अभी भी कम रहेगा। क्योंकि ये वापस हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाइपरटेंशन बिल्कुल से वापस से हाइपरटेंशन की ओर बढ़ जाएगा। इसके नॉर्मल वैल्यू पे आ जाने के बावजूद आपका जो टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है ये कम हो रहा है। और आपने ये भी देखा था, जस्ट अभी हमने बताया कि एक तो कार्डियक आउटपुट उसने कम कर दिया, दूसरा यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम कर रहा है, यानी कि दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। लंबे समय से यूज करने की वजह से कार्डियक आउटपुट पे इनका कंट्रोल तो कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल दे आर कंट्रोलिंग द टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और वो इसको कम कर रहे हैं। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ब्लड के फ्लो में रेजिस्ट कम होगा, और उतना ही आपका जो है हाइपरटेंशन कम होगा, और आपकी जो ब्लड की प्रेशर की वैल्यू है वो नॉर्मल लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। अगला जो है वो ये है कि अगर हम चाहें तो पोटेशियम स्पैरिंग डायबिटिक को थायराइड डायबिटिक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और ये भी हमने पुराने वीडियो में रिपीट करते हुए आए हैं, चाहे वो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चाहे हाइपरटेंशन के डिफरेंट पार्ट क्यों ना हो। अगर हम थायराइड डायबिटिक यूज करते हैं तो इसके साथ सोडियम का एलिमिनेशन तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, और पोटेशियम के लॉस होने की वजह से हाइपोकैलेमिया की प्रॉब्लम होगी, और हाइपोकैलेमिया की वजह से डिफरेंट टाइप के जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसमें मसल पेन, फैटिक, बॉडी एक इस तरह की फीलिंग होने लगेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सोडियम का लॉस तो हो लेकिन पोटेशियम, जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को अभी भी है एज अ मेन इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको उसको इनहिबिट करना होगा, उसके एलिमिनेशन को, सोडियम को अलाउ करना है बॉडी बाहर जाने के लिए यूरिन के साथ, लेकिन पोटेशियम को स्पेयर करके रखना है। तो चूंकि हमको पोटेशियम को स्पेयर करके रखना है, इसलिए हम थायराइड डायबिटिक के साथ यूज करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक, जो कि सोडियम को अलाउ करेगा एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन पोटेशियम को इनहिबिट करेगा, उसके लॉस को मेंटेन करेगा, ताकि कम से कम उसका लॉस हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेशियम रिटेन हो। याद रखिए सोडियम एलिमिनेट हो लेकिन पोटेशियम रिटेन हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से क्या होगा, ऑलमोस्ट दे डिक्रीज द ऑलमोस्ट लॉस ऑफ पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम स्पाइन डायबिटिक यूज करते हैं तो ये काफी हद तक आपके पोटेशियम के लॉस को कम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो थायराइड डायबिटिक हैं वो इतने ज्यादा वर्सेटाइल और यूजफुल हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए कि हम इनको अदर कैटेगरी के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ यूज कर सकते हैं। अदर कैटेगरी बोले तो आपका बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और आपका एल्डोस्टेरोन या खास करके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इन तीनों ड्रग के क्लास के कैटेगरी के अंदर हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इससे इनका पोटेंशिएशन हो जाएगा और ये काफी अच्छा इफेक्ट शो करने लगेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आपके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के फॉर्म में भी ले लीजिए, ये कंपीट करते हैं यूरिक एसिड के साथ। ये जो आपके थायराइड डायबिटिक हैं ये यूरिक एसिड के साथ कंपीट करते हैं। व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड आप जानते हैं आपके यूरिन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहा निकले तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की ओर डाउनवर्ड्स मूव करने लग जाते हैं, और जहां जहां भी आपके अंगूठे, पैर या आपके पाम के में जॉइंट्स हैं वहां पे जॉइंट्स में ये एक्यूमुलेट होते हैं, और इनका कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ये प्रेसिपिटेट होने लगते हैं एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसा कि आपने पिपरमेंट देखा होगा, बिल्कुल समझने के हिसाब से इस तरह के ये क्रिस्टल्स होते हैं, और ये क्रिस्टल्स उस जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं, और इनकी वजह से वह चुभन होती है, और चुभन आगे जाकर के इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कॉज करेगा, एंड दैट इज सिंपल नोन एज अ गाउट। तो ये आगे जाकर के चूंकि ये कंपीट करते हैं यूरिक एसिड के साथ एलिमिनेशन के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन के साथ, कौन? थायराइड डायबिटिक, लेकिन आपके यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को इनहिबिट करते हैं। और अगर यूरिक एसिड का एलिमिनेशन इनहिबिट हुआ तो डेफिनेटली यूरिक एसिड अभी भी आपकी ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, और वो जैसा मैंने कहा कि वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, और आगे जाकर के ये गाउट अटैक का कारण बन सकते हैं, चूंकि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट के फॉर्म से भी आप इसको ले सकते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं अदर, तो बहुत सिंपल सिंपल एडवर्स इफेक्ट है जिनको हम इनके मैकेनिज्म के साथ ही जोड़ करके समझ सकते हैं, याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड है। पहला है हाइपोकैलेमिया, चूंकि ये डायबिटिक है और हमने कहा कि सोडियम और वाटर
वाटर के रिटेंशन को इनहिबिट या तो इनके एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि सोडियम ही केवल बाहर जाए, इनके साथ बाकी चीजें ना जाएं। तो हमने कहा था कि सोडियम के साथ पोटेशियम भी बॉडी से बाहर निकल जाता है अगर आपने पोटेशियम स्पारिंग डायटिक यूज नहीं किया है। तो सिंगल अलोन थायजाइड डायटिक यूज करने पर पोटेशियम भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है और पोटेशियम की लॉस को हम कह सकते हैं हाइपोकैलेमिया, क्योंकि उसका लॉस होगा तो बॉडी में पोटेशियम का जो लेवल है वो कम होगा और कम को हम बोलते हैं हाइपो, और पोटेशियम स्टैंड फॉर कैलेमिया, सो इट इज नोन एज अ हाइपोकैलेमिया। दूसरा है हाइपर यूरेसेमिया, यहां पे यूरिक एसिड की लेवल बढ़ेगी और उससे प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, आगे जाकर के गाउट भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट गाउट अटैक, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये एलिमिनेट खुद हो जाता है और यूरिक एसिड को रोक देता है, तो ये आगे जाकर के गाउट को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल, खास करके ये जो मैक्सिमम यूज ऑफ डायुरेटिक है, खासकर थायराइड डायुरेटिक, आगे हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर वहां भी देखने को मिलेगा, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकते हैं। अगला है दे इंक्रीज द टोटल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कहने का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इस तरह की कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आपके बॉडी में बढ़ाते हैं और इसकी वजह से फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है, ओबेसिटी आगे जाकर के डेवलप हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इनको सोच समझ के और किसी स्पेसिफिक कंडीशन में यूज किया जाना चाहिए। अगला जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि फॉल इन ब्लड प्रेशर डेवलप आफ्टर 2 to 4 वीक। जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है थायराइड डायुरेटिक का, इसके डेवलप होने में या इसके इफेक्ट को दिखने में कम से कम 2 to 4 वीक का समय लग जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रग के रेजिमेन को डिसाइड करने में, ड्रग के थेरेप्यूटिक वैल्यू को डिसाइड करने में। अगला है दे आर मोर इफेक्टिव इन एल्डरली, ये आपके कॉमन जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो थायराइड डायुरेटिक है ये एज कंपेयर टू एडल्ट, एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, दे आर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर यूजफुल एंड मोर इफेक्टिव इन एल्डर पीपल। अगला पॉइंट है मैक्सिमम एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ दिस थायराइड डायुरेटिक कैन बी अचीव्ड इन 25 mg per day डोज, ये जो आपके कैरिटी के बुक में रेफरेंस दिया हुआ है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 mg per day के डोज पे हम देते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कैन बी एटेन्यूएटेड बाय NSAID। अगर हम थायराइड डायुरेटिक को एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज कर रहे हैं और कंकमिटेंटली साइमल्टेनियसली हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, आइबुप्रोफेन इस तरह के कैटेगरी के ड्रग को ले रहे हैं, इंडोमेथासिन कैटेगरी के ड्रग को ले रहे हैं, तो ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ थायराइड को एटेन्यूएट कर सकते हैं, उसको वहीं पे कंप्लीटली इनहिबिट कर सकते हैं। ये एक इसका पॉसिबल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का एग्जांपल है। आगे हम बात करते हैं अगर हाई सेलिंग डायुरेटिक की, तो हाई सेलिंग डायुरेटिक जिसका दूसरा नाम है लूप डायुरेटिक, वैसे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं डायुरेटिक के फॉर्म में, ये सबसे ज्यादा पावरफुल डायुरेटिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल डायुरेटिक होने के साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव में भी पावरफुल इफेक्ट शो करें। जो थायराइड डायुरेटिक हैं ये स्ट्रॉन्ग डायुरेटिक हैं, लेकिन ये थायराइड डायुरेटिक के सॉरी ये जो लूप डायुरेटिक हैं ये स्ट्रॉन्ग डायुरेटिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये थायराइड डायुरेटिक से भी ज्यादा पावरफुल एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो कर पाएं, ये उनसे कम इफेक्टिव होते हैं। इसी लिखा है फ्यूरोसामाइड इज स्ट्रॉन्ग डायुरेटिक, फ्यूरोसामाइड इज एग्जांपल ऑफ हाई सेलिंग डायुरेटिक, दीज आर द स्ट्रॉन्ग डायुरेटिक बट नॉट एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, दे डू नॉट पोजेस स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट एज कंपेयर टू थायराइड डायुरेटिक। अगला जो पॉइंट यह है कि फॉल इन ब्लड प्रेशर, जो लूप डायुरेटिक हैं या हाई सेलिंग डायुरेटिक हैं ये कैसे ब्लड प्रेशर में रिड्यूस करते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो सिंपल सा मैकेनिज्म दिया है, दे इनहिबिट द प्लाज्मा वॉल्यूम एज वेल एज दे ऑल्सो इनहिबिट द कार्डियक आउटपुट एज सेम एज अर्लियर, ये भी आपके कार्डियक आउटपुट को कम करके और आपके ब्लड के वॉल्यूम यानी कि सीधा सीधा बोलें तो प्लाज्मा वॉल्यूम, इनको कम करके अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लाज्मा वॉल्यूम रिटेन होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट एज वेल एज टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला जो पॉइंट अवे है कैन कॉज मोर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, ये जो आपके थायराइड डायुरेटिक हैं वो आपके बॉडी से सोडियम और वाटर के एलिमिनेशन को इंक्रीज करते हैं, साथ साथ ये दूसरे आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, जैसे हमने बताया पोटेशियम लॉस हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ हाई सेलिंग डायुरेटिक चूंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इसीलिए ये सोडियम के साथ साथ और भी कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, और इसकी वजह से सीवियर एंड इंपॉर्टेंटली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के इंबैलेंस होने की वजह से आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसा
मैंने कहा अगर पोटेशियम का लॉस ज्यादा होता है तो लिथार्जी, फैटिग, हेडेक, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है। वैसे ही रेस्पेक्टिवली जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके एसोसिएटेड टास्क अफेक्ट कर सकते हैं। इल मिला के यूं कहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने की वजह से बॉडी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है वीकनेस की ओर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जस्ट टच किया है आपके एंटी हाइपरटेंसिव मैकेनिज्म और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग थायराइड डायुरेटिक एंड लूप डायुरेटिक। और यहाँ पर समझाने के लिए हमने छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ऑलरेडी हमने इसको कई बार पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन देखते हैं तो वहां पे जो आपका एफरेंट आर्टरीज है वो आपके वुमन कैप्सूल तक पहुंचते हैं। यहां पे ये क्लम्सीनेस गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ऊन का गोला होता है। यहां पे ये ऐसे चीजों को फिल्टर आउट करते हैं जो कि आपके ब्लड में इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बॉडी से बाहर जाना चाहिए, जैसे कि मेटाबोलाइट ऑफ डिफरेंट ड्रग और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके ब्लड से आपके ल्यूमेन में पहुंचते हैं और आगे जाकर के सेकेंड स्टेप में पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। यही हमारे डायुरेटिक का साइट ऑफ एक्शन है, टारगेट ऑफ एक्शन है। रीअब्सॉर्प्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट गलती से आपके ट्यूब्यूल में पहुंच गए हैं ये वापस से आपके ब्लड वेसल में पहुंचते हैं, और यही एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है जो कि यूरिन के वॉल्यूम के या यूरिन के आउटपुट को डिसाइड करता है। तो अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं खास करके डायुरेटिक कैटेगरी का, तो ये डायुरेटिक ड्रग इसी रीअब्सॉर्प्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, और रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करने की वजह से जो मैक्सिमम रिटेंशन हो रहा था वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का वो कम होता है। अब रिटेंशन कम होगा इसका मतलब है कि एलिमिनेशन ज्यादा होगा, तो उस एलिमिनेशन के साथ हमारे सोडियम भी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, और सोडियम की वजह से जो एलिवेशन इन हाइपरटेंशन था, अल्टीमेटली जो सोडियम ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा था, अल्टीमेटली वो जो ब्लड वॉल्यूम आपके कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव कर रहा था, अब वो तीनों फैक्टर रिड्यूस हो गए। ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो गया, और इन दोनों के रिड्यूस होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से जो डायुरेटिक हैं वो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्टिंग वीडियो है ये कैसे लग रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली बताइए, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।